नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के, लेकिन एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कोरोना के मामले हो रहे कम, 33 नए संक्रमित मिले, एक की मौत, ब्लैक फंगस के मामलों में हुआ इजाफा। सीमाओं को कांवड़ियों के लिए 24 जुलाई से सील किया जाएगा। कांवड़ यात्रा पर रोक को लेकर प्लान तैयार हो गया। गंगा जल लेने आए हरिद्वार तो दर्ज होगा मुकदमा। उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर खत्म होगा रार। हाईकमान के साथ फॉर्मूले पर मंथन, नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर उलझी हुई है कांग्रेस। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की अहम जानकारियों के साथ इस वक्त की, लेकिन शुरुआत उत्तराखंड में कोरोना के अपडेट के साथ। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के मामले बेहद कम होने लगे हैं, रफ्तार कोरोना के थमने लगी है। उत्तराखंड से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इसी के साथ 33 नए संक्रमित मिले हैं और एक की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। 711 से एक्टिव केस कम हो गए हैं। दरअसल एक्टिव केस भी कम होने लगे हैं, ब्लैक फंगस के मामलों में इजाफा हो गया है। कोरोना के मामले तो घटने लगे, लेकिन ब्लैक फंगस के मामलों में इजाफा होने लगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में 33 नए संक्रमित मिले हैं, 24 घंटे के अंदर एक की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस भी घटकर 711 पर पहुंच गए हैं। ये पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में आपको बता दें सक्रिय मामलों की संख्या भी अब घटकर 711 तक पहुंच गई है। लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उत्तराखंड में जारी है। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशों को लगातार किया जा रहा है कोरोना की रोकथाम को लेकर के, लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है उत्तराखंड में। ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जहां नए मामले कम होने लगे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जाने लगा, इसी के तहत पर्यटन स्थलों को खोला जाने लगा, लेकिन मौत का सिलसिला अभी भी बरकरार है। एक मौत हुई है 24 घंटे के अंदर और ब्लैक फंगस के मामलों में इजाफा हो गया है। लेकिन इसी बीच ब्लैक फंगस के मामले कोरोना के नए रूप भी सामने आ रहे हैं। डेल्टा प्लस का खतरा अलग है, तो आपको बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, कोरोना के मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है, दूसरी ओर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्या हालात आप देख रहे हैं उत्तराखंड में? जी सोनिका, बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, 24 घंटे की बात करें तो कुल 33 मामले संक्रमित मिले हैं। वहीं आपको बताते चले कि एक मौत भी उत्तराखंड में हुई है, जो चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं सरकार की बात करें तो सरकार लगातार इस पर सतर्क है। तो वहीं जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है कि ब्लैक फंगस के मामले विशाल मारने लगे हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि एम्स हॉस्पिटल में भी मामले वहाँ पर अभी भी भर्ती है, और जिस तरीके से देखा जाए कि ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है और सरकार लगातार इसके लिए काम कर भी रही है। लेकिन सरकार का यदि बात करें तो सरकार, पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री, वो भी तमाम नजर इन पर बनाए हुए हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जायजा भी वो लगातार अधिकारियों से ले रहे हैं। जी चंचल, वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, किस तरह चल रही है उत्तराखंड में? जी सोनिका, बिल्कुल, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात करें कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि एक अभियान के रूप में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा, लेकिन अभियान तो चला, लेकिन जिस तरीके से दम घुटता अभियान का नजर आ रहा है कि तमाम वैक्सीनेशन पर, किसी भी वैक्सीनेशन पर वैक्सीन नहीं है, लोग आ रहे हैं लेकिन उनको निराशा हाथ लग रही है, उनको खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इस तरीके से एक निराशा लोगों को हाथ लग रही है, लेकिन जिस तरीके सरकार के दावों की बात करें, सरकार के दावे हैं कि तमाम वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, पूरे उत्तराखंड के जितने भी जनता है सबको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री अब उत्तराखंड को मिल चुका है, काफी समय बाद स्वास्थ्य मंत्री मिले हैं धन सिंह रावत, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा कि जिसको वैक्सीन ना लगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब वैक्सीन ही नहीं है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, तो आखिर उन लोगों तक वैक्सीन किस तरीके से पहुंच पाएगी? जी धनराज, अगर बात करते हैं लोगों की, तो लोग कितने सतर्क आपको नजर आते हैं, क्योंकि कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद ब्लैक फंगस में इजाफा हो गया उत्तराखंड में, क्या लोगों में सावधानी आप देखते हैं जब आप ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं तो?
जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से यदि जनता की बात करें, जिस तरीके से बाजार खुले हैं, काफी छूट दी गई, हालांकि जो कोरोना कर्फ्यू है उसको बढ़ाया गया है, 20 जुलाई तक ही कोरोना कर्फ्यू किया गया है उत्तराखंड में, लेकिन जिस तरीके से बाजारों की हालत देखें तो बाजारों में भीड़ काफी नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है या फिर मास्क लगाने का जो गाइडलाइंस है वो पालन करना होगा, तो जिस तरीके से देखा जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पालन नहीं करते हैं तो उन पर समय समय पर पुलिस विभाग कार्यवाही भी करता है, चलानी कार्रवाई भी उन पर होती है, तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि अब जनता समझने लगी है कि कोरोना अभी गया नहीं है, हालांकि जिस तरीके से मामले कम हुए थे तो लापरवाही भी लोगों में देखने को मिल रही है। जी धनराज, ग्राउंड जीरो पे तो आपने देख लिया कि लोग सतर्क नजर आते हैं लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें अस्पतालों के तो अस्पतालों में कितना प्रबंध आप देखते हैं क्योंकि मौसम अलग बदल रहा है, ब्लैक फंगस का खतरा भी अलग है। जी सोनिका बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि मौसम जब बदलता है तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी एक अलग अलग बीमारियां जन्म लेती हैं, और जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और वहीं ब्लैक फंगस का खतरा भी मंडरा रहा है, तो इसको देखते हुए सभी अस्पतालों में व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। यदि बात करें अस्पताल प्रशासन की तो अस्पताल प्रशासनों का यही दावा है कि जो अस्पताल है उनमें पर्याप्त मात्रा में बेड लगाए गए हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, तीसरी लहर के लिए वो लगातार सतर्क हैं और तीसरी लहर के लिए तमाम व्यवस्थाएं वहां पर करने के लिए वो बाध्य भी हैं। जी तो बात करी जाए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जिस तरीके से भी बाजारों की बात की जाए, बाजारों में क्या व्यवस्थाएं आप देखते हैं, पर्यटन स्थलों पर क्या व्यवस्थाएं आप देखते हैं धनराज? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा कि जिस तरीके से पर्यटन उत्तराखंड में आ रहा है और तमाम छूटें दी गई है कि पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन उसमें भी 50 आदमी की जाने की अनुमति वहां पर दी गई है। आप अभी हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि कुछ वीडियो वायरल हुए थे मसूरी के कैंपटी फॉल के, जहाँ पर लोगों का तादाद बढ़ गई थी और जिसके बाद लगातार प्रशासन सतर्क मोड पर आया और तमाम हरकत में आते हुए उन्होंने आनंद फानंद में रोक लगाई। जानकारी आपने हम तक पहुंचाई की में कोरोना से हालात क्या है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे रुख करते हैं, दरअसल कोरोना की वजह से दहशत में सभी पर्यटक स्थल बंद थे, जिसके चलते उत्तराखंड का कार्बेट नेशनल पार्क भी बंद था। आपको बता दें कि इसके बाद बहुत कुछ खबरें सामने आने लगी कि कार्बेट नेशनल पार्क बंद हो गया पर्यटकों से, लेकिन एक बार फिर से गुलजार नजर आ रहा है। दरअसल लॉकडाउन के बाद लोग घूमने निकले हैं। आपको बता दें कि पर्यटकों द्वारा जो ऑनलाइन बुकिंग की गई उसमें लाखों रुपए का कार्बेट प्रशासन द्वारा पर्यटकों को वापस भी किया गया था। अब कार्बेट के कुछ गेटों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिसमें यहां पर पर्यटक घूमने आ रहे हैं और उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं कार्बेट पार्क में घूमने आने वाले पर्यटकों और साथ ही नैनीताल जाने वाले पर्यटकों को अपना RT-PCR रैपिड टेस्ट करवाया आना होगा। कोविड की वजह से उत्तराखंड में पर्यटकों पर रोक लगा दी गई थी, आपको बता दें कि जिसके चलते कार्बेट नेशनल पार्क को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। यहां तक कि पर्यटकों द्वारा जो ऑनलाइन बुकिंग की गई थी उसमें लाखों रुपए का कार्बेट प्रशासन द्वारा पर्यटकों को भी वापस किया गया था। अब कार्बेट के कुछ गेटों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिसमें यहां पर पर्यटक घूमने आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पर्यटक घूमने आने लगे हैं। बहुत दिनों बाद कार्बेट पार्क खुला है, कोविड की वजह से बंद था, अब पर्यटक एक बार फिर से घूमते नजर आ रहे हैं। पर्यटकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि पर्यटक पार्क में घूमने आने वाले पर्यटकों और साथ ही नैनीताल जाने वाले पर्यटकों को अपनी RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, कार्बेट नेशनल पार्क की तस्वीरें हैं। कोविड के चलते एक और जहां बंद पड़ा था कई महीनों से, एक बार फिर अब इसे खोला गया है पर्यटकों के लिए। लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, पर्यटक भी, आप पार्क भी बेहद ही गुलजार नजर आ रहा है। एक तो मौसम भी बेहद सुहाना है उत्तराखंड का इस वक्त, ऐसे में कार्बेट नेशनल पार्क का खुल जाना, पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, इस वक्त लोग घूमने भी निकले हैं क्योंकि लॉकडाउन था बेहद लंबे समय से। सो आई थिंक हम 4 महीने बाद घर से निकले हैं, तो यहाँ का मजा अलग है, बट काफी अच्छा लगा इतने दिनों बाद जंगल की हवा खा के, और नेचर का मजा अच्छा है। बाकी जानवर अभी कम दिखे, इतना नहीं था बिकॉज गर्मी भी बहुत है, बट वेदर बहुत अच्छा लगा। बट कोविड को लेके यहाँ पे है किस तरह का किया जा रहा है? कोविड को लेके हर जगह सतर्की है, बल्कि हम अंदर गए तो किसी ने नीचे भी नहीं उतरने दिया है और मास्क के बिना कोई अंदर नहीं जा रहा है। एंट्री के टाइम भी हर समय वो नाम भी पूछ रहे हैं, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, सो इट्स गुड। लाइक पहले जैसे लोगों ने बुकिंग की थी और उनके जो पैसा वापस कर दिया, आप लोगों ने अभी बुकिंग की है या पहले से बुकिंग की थी? हमने एक लास्ट मंथ बुकिंग की थी, सो उस समय तो खुल गया था, सो दे क्लियरली इन्फॉर्म्ड अस कि किस टाइमिंग्स में एंड व्हाट ऑल हैज टू बी डन।
अभी कुछ जानवर देखने को मिले आपको? हाँ, हमें एक टस्कर मिला, हमें बहुत सारे हिरन मिले, लाइक वो लोग झुंड में भी थे तो, और बाकी बर्ड्स एंड ऑल तो बहुत ही था. वी स्किप द टाइगर, वो नहीं मिला ऑफ कोर्स. कुछ लोग ना कोविड को लेके नहीं आ रहे हैं, जैसे टूरिस्ट नहीं आना चाह रहे हैं, आप लोग उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आए कि ना आए? बाकी तो इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी रूल्स एंड एवरीथिंग देन यू कैन कम आउट नाउ, बट इट्स गुड टू बी वैक्सीनेटेड एंड देन कम, बिकॉज वी ऑल आर वैक्सीनेटेड हियर एटलीस्ट वंस, फर्स्ट डोज हैज बीन डन. सो बाकी आप रूल्स फॉलो करिए, आप बाहर आइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हाँ रूल्स वायलेट मत करिए प्लीज. तो फिलहाल आगे रुक करते हैं. दरअसल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है, अब इसको लेकर प्लान तैयार कर लिया गया है. कांवड़ यात्रा पर रोक को लेकर प्लान अब तैयार हो गया है उत्तराखंड सरकार का. गंगा जल लेने आए हरिद्वार तो दर्ज होगा मुकदमा. दरअसल अगर आप गंगा जल लेने के हरिद्वार अगर जाते हैं तो आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है. यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सख्ती का प्लान तैयार कर लिया गया है. इसी बीच सीमाओं को कांवड़ियों के लिए 24 जुलाई से ही सील कर दिया जाएगा. ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है. दरअसल आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए रद्द की गई कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को हरिद्वार पर आने के लिए रोकने के लिए प्रशासन बेहद ही सख्त नजर आ रहा है. दरअसल पुलिस प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद भी अगर कोई कांवड़ लेने यहां आता है तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. इसी के चलते यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर भी सख्ती का प्लान तैयार कर लिया गया है. सीमाओं को कांवड़ियों के लिए 24 जुलाई से ही सील कर दिया जाएगा. दरअसल अगर कोई भी कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पहुंचता है गंगा जल लेने के लिए तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है. हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ. संचित, अब कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद पूरा प्लान तैयार हो गया है सख्ती बरतने का, क्या प्लान है, किस तरीके से तैयारी की गई है? सोनिका, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगाई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता है वो कहीं ना कहीं खुश है. जिस तरीके से देखा जाए कि कोविड की दूसरी लहर के टाइम पे जिस तरीके से कुंभ का शुभारंभ किया गया, कुंभ का आयोजन किया गया, कुंभ में बाहर से लोग आए, कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर कितनी प्रभावी उत्तराखंड के अंदर रही, कितने लोग उससे संक्रमित हुए, कितने गर्मी में जो कोविड की दूसरी लहर से कितनी लाखों के ढेर लग गए, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता जो कुंभ से नाराज थी उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने काफी सराहनीय फैसला, काफी अधिक फैसला लेकर के जो कांवड़ यात्रा है उस पर रोक लगा दी. उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति गंगा जल लेने उत्तराखंड के अंदर आता है तो उसके ऊपर कांवड़ में मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा. तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का सख्त रूप सरकार अपना रही है तो इसको देखते हुए लगता है कि जो तीसरी लहर आने की आशंका जो लगाई जा रही है उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार है. अब सरकार उत्तराखंड सरकार की तरफ से तो रोक लगा दी गई है संचित, लेकिन अगर हम बात करते हैं श्रद्धालुओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, बात अगर श्रद्धालुओं की करें, श्रद्धालुओं का मानना है कि हमारी आस्था के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आक्रोश थोड़ा सा श्रद्धालुओं के अंदर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से बात करें तीसरी लहर की तो उसको लेकर के सरकार ने जो अपना फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को सरकार के आगे झुकना पड़ रहा है. और कांवड़ यात्रा पर जिस तरीके से रोक लगी, हमारे डीजीपी ने बताया कि हम टैंकर की व्यवस्था कर देंगे, व्यक्ति अपना टैंकर भर के गंगा जल ले जाए और जो आस पास के क्षेत्र है वहां वो उस गंगा जल को इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अभी इसको लेकर के संशय बना हुआ है कि वो लोग ऐसा करेंगे या नहीं, लेकिन जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रूप अपना करके इस पर रोक लगाई है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये काफी सराहनीय पहल है. और दूसरी बात, अगर जिस तरीके से कोरोना की करें, आप देख सकते हैं कि पर्यटकों का जो हुजूम उत्तराखंड के अंदर इस वक्त लगा है, बात सारे टूरिस्ट प्लेस की करें, नैनीताल की करें, मसूरी की करें, ऊपर पहाड़ों की करें, जिस तरीके से पर्यटकों का हुजूम उत्तराखंड में लगा है तो सरकार ने उस पर भी एक सख्त रूप अपनाया है. वहीं पर आने वाले व्यक्तियों की RT-PCR रिपोर्ट भी देखी जा रही है और साथ के साथ वहीं पर टेस्ट भी करा जा रहा है लोगों का. तो आप देख सकते हैं कि सरकार इस वक्त तीसरी लहर को लेकर के जो आशंका जताई जा रही है उसको लेकर के कितनी सख्त. ठीक है संजीत, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड सरकार ने किस तरीके से व्यवस्था की है और आगे समय में क्या रहेगा. बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए. आगे रुक करते हैं. दरअसल उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में कांग्रेस में चेहरे को लेकर अब रार खत्म होगी. दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस के CM चेहरे पर खत्म होगा रार. हाईकमान के साथ फॉर्मूले पर मंथन हुआ है, मंथन किया भी जा रहा है आगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस में अभी तक तय नहीं हो पाया नेता प्रतिपक्ष का नाम. दरअसल नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा है कांग्रेस के अंदर. नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर उलझी हुई है
कांग्रेस की गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। पिछले कई दिनों से बवाल चल रहा था, हाईकमान के साथ फॉर्मूले पर मंथन भी किया जा रहा है कि आखिरकार उत्तराखंड में सीएम के चेहरे के तौर पर कौन सामने आ सकता है, देखने वाली बात होगी। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर अब खत्म ही होने जा रहा है, कुछ ही समय बचा है आगामी विधानसभा चुनाव होने में। ऐसे में कांग्रेस भी पूरी तरीके से रणनीति बना रही है कि आखिर किस तरीके से और किन मुद्दों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरा जाए और वोटर्स को साधने की कोशिश की जाए। इसी बीच हाईकमान के साथ फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है, लगातार बैठकें की जा रही हैं, चिंतन मंथन किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से पूरी रणनीति को बनाई जाए। इसी के साथ कांग्रेस में अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है, ना ही कोई चुनाव हो पाया है, जिसे देखते हुए नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर अभी कांग्रेस के अंदर गुत्थी उलझी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर अब रार खत्म होता नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से हरीश रावत के चेहरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि हरीश रावत का चेहरा सामने आ सकता है, लेकिन अब एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर अबरार खत्म ही होगा। ऐलान किया जा सकता है कि आखिर कौन होगा उनका सीएम चेहरा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है चुनाव में। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अब सीएम चेहरे को लेकर रार खत्म होने के पास आ गया है कांग्रेस के अंदर, क्या लगता है कि किसका नाम सामने आ सकता है? सोनिका देखिए, यह बहुत आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए सीएम का चेहरा तय करना। आप देख ही रही है, नेता प्रतिपक्ष के पद पे किसी व्यक्ति का अभी तक चयन नहीं हो सका है, जबकि वह इतना कठिन काम नहीं है, क्योंकि प्रीतम सिंह का नाम आगे चल रहा था, नेचुरली वो प्रदेश अध्यक्ष है और इस रेस में सबसे आगे थे। समीकरण के हिसाब से भी, जो क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरण थे उस हिसाब से भी प्रीतम सिंह उपयुक्त है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि उस इस पद पर भी जिसपे बीजेपी ने 3-3 मुख्यमंत्री इतने दिनों में बदल दिए, कांग्रेस अभी अपना नेता प्रतिपक्ष ही नहीं तय कर पा रही, 11 विधायकों का एक नेता नहीं तय कर पा रही है। आप समझ सकती है कि कांग्रेस के सामने संकट किस तरह का है, पार्टी में गुटबाजी कितनी चरम पे है। तो इस तरह से आप देखिए कि अभी भी कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्या कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी हरीश रावत ने कुछ दिनों पहले ये बात उठाई थी, उनके जो समर्थक विधायक है उन्होंने भी कहा था कि चुनाव में हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। तो इन्हीं के पार्टी के नेताओं ने, स्वर्गीय इंदिरा देव जो अब नहीं है, दिवंगत है, उन्होंने भी कहा कि आखिर हरीश रावत के नेतृत्व में सीएम चेहरे के रूप में और गति क्या हुई पार्टी की, 31-32 है वो सीधे 11 मिल गई और स्वयं मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों पर हार गए थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी वो नेता प्रतिपक्ष का ही चेहरा तय करेंगी। हो सकता है चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बना दे हरीश रावत को, क्योंकि चुनाव संचालन समिति का जो अध्यक्ष होता है प्रायः वो पार्टी को लीड करता है चुनाव में और वही आगे चल के सरकार का भी नेतृत्व करता है अगर समर्थन मिलता है जनता का। तो इस तरह से सोनिका देखें कि अभी ये बहुत चीजें उलझी हुई हैं और ये कांग्रेस के न केवल प्रदेश नेतृत्व बल्कि शीर्ष नेतृत्व को भी इस गुत्थी को सुलझाने में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और अभी वही परिश्रम दिल्ली में जो बैठकों के दौर के तौर पे चल रहा है वो जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होता है, उसके बाद ही तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। बिल्कुल धीरेन्द्र, लेकिन समय बहुत कम बचा है आगामी विधानसभा चुनाव होने में, ऐसे में कांग्रेस के अंदर अगर इसी तरीके से उलझन रही तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी के लिए राहें आगे की आसान होती नजर आ रही है? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस जिस तरह से गुटबाजी में उलझी हुई है इसका पूरा लाभ जो बीजेपी है उसको मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अभी भी यही मान के चल रही है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है चुनाव में भी ऐसे ही रहेगी, वो आपसी खींचतान में ये पार्टी निपट जाएगी और बीजेपी की जो सत्ता की राह है वो आसान हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी अपनी जो चुनावी तैयारियां हैं उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई कोताही नहीं बरत रही है। आप देखिए बैठकों पे बैठके हो रही, उनकी प्लानिंग सब बन गई है, किस तरह से बूथ स्तर तक उनके बड़े नेताओं को जाना है, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का एक तरह से सत्यापन भी हो गया है और बहुत जल्द लोग मैदान में भी उतर जाएंगे और स्वयं मुख्यमंत्री 25 जुलाई से 15 अगस्त तक यानी लगातार लगभग 25 दिन वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में दौरा करेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक वो 70 विधानसभाओं में उनके जो प्रवास है वो तय हो गए हैं। तो आप इसी से समझ सकती कांग्रेस और बीजेपी की चुनावी तैयारियों में कितना जमीन और आसमान का अंतर देखा जा सकता है।
धीरेन्द्र, अगर बात की जाए कांग्रेस के अंदर कलह तो चली रही है, लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो कौन से अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में उतर रही है? देखिए लगातार सोनिका मैं बता रहा हूँ आपको कि कांग्रेस के पास जो मुद्दे हैं वो बीजेपी सरकार के 5 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको ध्यान में रख करके उन्होंने मुद्दा तय किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा होगा कोविड में किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, किस तरह से अभी भी जो टीका है वो राज्य सरकारों को के उपलब्ध नहीं करा जा रहा है केंद्र द्वारा, जबकि टीकाकरण का पूरा काम केंद्र सरकार अपने हाथ में ले चुकी है। और इसके साथ ही साथ जो आम आदमी को परेशानियां हुई है, जो रोजगार के मुद्दे पर घेरेगी कांग्रेस बीजेपी को, इसके साथ ही साथ जो आजकल एक अभियान उत्तराखंड में चल रहा है कि यहाँ पे चकबंदी नहीं होती, तो लैंड राइट की बात हो रही है कि यहाँ चकबंदी की जाए और उत्तराखंड में जो बाहर के लोग बहुत तेजी से यहाँ पे जमीनें खरीद रहे हैं उस पर कुछ रोक लगाई जाए। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आने वाले समय में चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस के शामिल होंगे और इस पे बीजेपी को कांग्रेस घेरती हुई नजर आएगी। बिल्कुल धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने देखी, आगे कांग्रेस के अंदर कलह चल रही है और आगे आने वाले समय में किस तरीके से तस्वीरें सामने आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब एक रिपोर्ट का जिक्र करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दिनेशपुर में इंटर्न कॉलेज परिसर में उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया है, इसमें पौधारोपण भी उन्होंने किया, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की खबर है, उन्होंने दिनेशपुर में इंटर्न कॉलेज में विद्यालय का उद्घाटन किया है और इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि अटल आदर्श विद्यालय खोलने का उद्देश्य है प्रदेश के हर गरीब परिवार के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देना है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 190 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किया गया है। इन विद्यालयों के लिए 789 शिक्षकों की आवश्यकता है, इसके लिए 4,950 शिक्षकों ने आवेदन किया है। उन्होंने कॉलेज के शिक्षकों से कहा कि कॉलेज में छात्रों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसके लिए शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दिनेशपुर के इंटर्न कॉलेज परिसर में आयोजित अटल उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया, तस्वीरें आप देख रहे हैं पौधारोपण करते हुए की कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को, इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभिभावकों की ये सोच है कि उनका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए। निश्चित ही जो प्राइवेट स्कूल है वह महंगा होने की वजह से आम गरीब आदमी का बच्चा कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं जा पाता था। उसी कल्पनाओं को लेकर हमने सरकारी सिस्टम में भी CBSE बोर्ड के माध्यम से मान्यता दिला के हमने कोशिश की है कि कक्षा 6 से लेकर इंटर तक के बच्चों की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की जाए। इस नाते CBSE बोर्ड से मान्यता दिलाई गई है। इंग्लिश मीडियम के जो अध्यापक हैं जितने पद रिक्त हैं उन पर सबकी तैनाती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 15 जुलाई को होने वाला है, अध्यापक भी आ जाएंगे। और ऑनलाइन जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है एडमिशन की प्रक्रिया, वैसे ही हमने भी वेबसाइट तैयार की है कि आम गरीब जनमानस का बच्चा भी ऑनलाइन एडमिशन लेके इन अटल उत्कृष्ट विद्यालय में आ जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करने के लिए हमारे शिक्षक भाई बहनों ने बहुत प्रयास किया, जिसका प्रमाण है कि नीति आयोग ने अपने मानकों में सर्वे जो किया है उसके अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड 4th स्थान पर आया है। अब आगे रुक करते हैं। दरअसल लकड़ी तस्करों का एक मामला सामने आया है, पुलिस ने कुछ लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया है, कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बाजपुर की बनाखेड़ा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की कीमत की खैर की लकड़ी के 61 गिल्टों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने 3 लकड़ी तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने कीमती लकड़ी और तस्करों को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम के सुपुर्द कर दिया है। बताते चले आपको कि बनाखेड़ा चौकी इंचार्ज होशियार सिंह की मुखबिर की सूचना मिली कि बनाखेड़ा के ग्राम केला बनवारी में सरजीत सिंह और गुरपाल सिंह के घर में जंगल से चोरी कर खैर की लकड़ी छिपा कर रखी गई है। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए सरजीत सिंह के घर में एक ट्रॉली में छुपा कर रखी गई खैर की लकड़ी को बरामद किया है। ये पूरा मामला आपको बता दें कि बाजपुर की बनाखेड़ा चौकी पुलिस का से सामने आया, जहां मुखबिर की सूचना दी थी कि लाखों के रुपए की बनाखेड़ा क्षेत्र के इटावा क्षेत्र से रात को कुछ घरों से जो है खैर की लकड़ी बरामद की गई है। तो और उस लकड़ी को जब्त करके बनाखेड़ा रेंज में रखा गया है और इस पर जो है जांच करके कार्रवाई बैल पड़ाव रेंज द्वारा की जा रही है। सर लगभग कितनी लकड़ी होगी और कितनी कीमत की होगी? सर लगभग जो है 1.5 ट्रॉली खैर की लकड़ी है और उसका अभी मूल्यांकन चल रहा है।
किसी आपको लोग पकड़ा भी गया सर किस कुछ लोगों को? अब पूछताछ चल रही है उसमें और जैसे भी होगा तो आगे बता दिया जाए आप लोगों को। तो रिपोर्ट आपने देखी, तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। इस रेडियन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।